ऐसा अभी मम्मी जी आए चाय लेके, देखिए अपने हाथों से काफी मिस करेंगे जाने के बाद। राजा भैया के साथ में आ चुके गंगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं नोमाड सूरज। तो गाइस मैं हूं राजा भैया के घर, जैसा कि कल वाले वीडियो में आपने देखा। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि पापा जी रहे, पापा जी हाय बोलिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो गाइस पापा जी कैसे हैं आप? ठीक है। तो गाइस अभी नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर यहाँ से फिर उसके बाद राजा भैया हमें कहीं घुमाने उमाने ले जाएंगे। तो अभी मम्मी जी आए चाय लेके, देखिए काफी मिस करेंगे जाने के बाद, जो है मतलब कि बहुत याद आएगी, बट नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। ऐसे बेटा सब हमारे अति पर देख रहा था वीडियो पर, आज खास हम बेटा सब के साथ में हम अपना हाथों से चाय दस्ताम करा रहे हैं। काफी अच्छा रिस्पेक्ट हमको यहाँ मिला राजा भैया के यहाँ, मम्मी जी के साथ और राजा भैया के साथ। काफी फैमिली इनकी अच्छी है। राजा भैया जी खाना यहाँ पे ला दिए, जबरी खिला रहे, तो यार बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और पापा जी वहाँ पे हैं और मम्मी जी वहाँ पे, मम्मी जी लाई है। और मम्मी जी कैसे आप? हाँ बेटा ठीक है। तो मम्मी जी प्यार से खाना खिला रही है, साथ जाने बाद मिस करेंगे मम्मी जी को, है ना मम्मी जी? हाँ। फिर नेक्स्ट मम्मी का याद करिएगा, तो फिर मम्मी भी याद करेंगे, फिर मम्मी से मिलने के लिए आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। तो गाय से अभी खाना वाना खा लेते, फिर भैया के साथ में जाना घूमने राजा भैया के साथ में। तो खाना वाना हो गया मम्मी जी ने, पेट मेरा मतलब कि एकदम भर गया है। अब हम लोग मम्मी जी जैसे मेरे घर पे मेरी मम्मी खाना खिलाते हैं, ऐसे राजा भैया की भी मम्मी यानी हमारी भी मम्मी खाना खिला दी है। तो दोस्तों कोई नहीं, अब ये हम लोग का ये लास्ट यहाँ पे मतलब हुए, क्योंकि यहाँ से ट्रेवलिंग करते निकल जाएंगे हम अपने स्टेशन, और वहाँ पे कल मेरे भांजे का बर्थडे है, तो वहाँ पे भी जाना जरूरी है। तो बट ये कोई बात नहीं, मम्मी जी चलते हैं। ठीक है दीदी, चलते हैं। बाय बाय दीदी, सॉरी दीदी, बाय। चलो ठीक है नेक्स्ट। फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं राजा भैया के साथ गंगा मैया का दर्शन करने। देख सकते हैं आप कितना अच्छा यहाँ का व्यू है। राजा भैया कैसे? बढ़िया बढ़िया। हमने सोचा कि अब जैसे आ ही रहे थे अभी घर से, तो चलिए आप लोग गंगा मैया का दर्शन कर लीजिए, बहुत ही पवित्र है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, तो हमने सोचा अपने भाई को भी अपना घुमा दिया जाए, कुछ आशीर्वाद माता जी का मिल जाए। हाँ। तो ये लोग भी आगे तरक्की करें, है ना। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है, बहुत है। आपको ही देख के हम लोग इंस्पायर हुए, तो आपके ही जैसा हम लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं इसमें। अरे हम तो यही चाहेंगे कि गंगा मैया से यही हम आशीर्वाद मांगे कि हमारे भाइयों को कामयाब कर दीजिए, और जिस तरीके से हमको परेशान किए थे वैसे इन लोगों को परेशान मत कीजिए, तरक्की दीजिए इन लोगों को लाइफ में, ताकि खुश रहें, अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छे काम करें, सब इनके ऊपर गर्व करें। फाइनली अभी यहाँ से हम लोग नेक्स्ट जगह जाएंगे, राजा भैया लेके चल रहे हैं, ताकि ब्लॉग में आप लोग काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जैसा कि आप लोग तो हमारे ब्लॉग में देख ही चुके हो कि नदी के उस पार गए थे, तो हम सोचे भैया सबको भी घुमा दें अपना। तो गाइस अभी भैया उस पार भी ले जा सकते हैं हम लोग को, देखते हैं अगर नाव मिल जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे उस पार भी। यहाँ पे भी नाव नहीं मिला हम लोग को, अब देखते हैं बट क्या होता है आगे, अगर मिल जाएगा तब उस पार हम लोग जरूर जाएंगे और वहाँ का भी जरूर दिखाएंगे आपको। ये सब साथ में राइडिंग हो रही है, भैया जी भी वाईफाई ब्लॉग भी, भैया जी खूब राइडिंग कर रहे हैं और राजा भैया भी राइडिंग कर रहे हैं मस्त जगह पे, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। पहले हम लोग बैठ गए और ये नाव भागा जा रहा है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं नाव है और राजा भैया सब उधर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और पर्सनली हम लोग घूम लिए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और राजा भैया के साथ में आ चुके गंगा इस पार, और यहाँ कह सकते हैं बीच हम लोग समझ लो गोवा का बीच है, और काफ़ी अच्छा इधर का व्यू है, जैसे रेगिस्तान हो गया ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन बट बहुत इधर एक यूनिक चीज़ मिला है देखने को, छोटा सा ढाबा है, और इधर ये नाव पूरा स्टॉप हो जाता है, बाकी सब भाई लोग इधर के गाँव के लोग हैं। और राजा भैया पहली बार मतलब मैं गंगा इस पार हुआ हूँ राजा भैया की बदौलत, और राजा भैया अरे क्या बात करते हैं, सोचा कि चलो सब लोग एंजॉय कर लिया जाए, तो ब्लॉग में होता ही रहता है, रियल जिंदगी में आप गांव का मजा ले लो कि बीच क्या होता है यहाँ। ठीक है, बाकी भैया लोग एंजॉय किए हैं तो अभी निकलना है, 2 मिनट के टाइम है हम लोग के पास। हाँ चलते हैं, 2 मिनट का टाइम है क्योंकि स्पेशल नाव भाई ने किया था, तो अब इधर से निकलना भी हम लोग को। Thank you.
एंजॉय हो गया राजा भैया के साथ में, और काफ़ी मज़ा आया। सभी चारों भाई लोग हम लोग गए थे और भैया से निकलते भैया के साथ में, बिल्कुल भाई लोग एंजॉय कर लिए, फुल एंजॉय। अब यहाँ से निकलना है कि क्या करना है भैया लोग बताएंगे। भैया की मेहरबानी थी, हम लोग घूम लिए बहुत ज़्यादा इनके गांव, और इनका गांव काफ़ी अच्छा है, गंगा बगल में है, गंगा जी मैया की, तो बहुत अच्छा लगा। राजा भैया काफ़ी अच्छा प्यार दिए। अरे बिल्कुल, राजा भैया अभी कौन सा वाईफाई ब्लॉक जो है हमारे भैया जी उनको राजा भैया बोल सौंप दिए कि आप जाके इनको स्टेशन छोड़ दीजिएगा, तो राजा भैया कुछ बोल दीजिएगा हमारे सब्सक्राइबर भाई। बस यही बोलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, इस तरह आगे बढ़ाते रहो भाई, बहुत मेहनत लगता है यार, क्या ही बताएं। और कसम से बता रहे हैं, अपनी कसम, मन तो नहीं कर रहे भाई लोग को भेजे, यहीं पर रखे आराम से 2-4 महीना इन्जॉय करें। भाई का प्यार बहुत ज़्यादा मिला, और मम्मी मेरी मतलब कि जैसे मम्मी के लिए कुछ बोल दीजिएगा घर पे इंतजार करते हैं। तो मम्मी पापा के लिए यही बोलेंगे, मेरा प्रणाम है ना, और भैया को थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि कोई चीज़ करने में थोड़ा वक्त तो लगता है, जैसे मैंने किया, अपने परिवार को संभाल रहा हूँ, संभालता जा रहा हूँ, ये एक ऐसा टाइम है कि ये भी संभालेंगे, आप लोग के लिए अच्छा काम करेंगे, है ना, तो थोड़ा वक्त दीजिएगा, और मेरा सभी परिवार के लिए नमस्कार। थैंक यू, ठीक है राजा भैया, बाय। ठीक, बाय। फाइनली गाइस, हमारा स्टेशन आ चुका है, और भैया जी हमारे वाईफाई भैया जी हमें छोड़ दिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। अरे भाई लोग बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही आगे जाएंगे, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इनको, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए अपना, ठीक है। तो ठीक है भैया जी, अपना ध्यान अच्छे से जाना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं भी चले जाऊँगा। ठीक है, सब बढ़िया ना। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइम आएंगे, जब मिलते हैं, मिलते हैं एकदम, बिल्कुल मिलेंगे। तो भैया जी आप चलिए, आप मैं भी चलूँगा। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। सो गाइज, अभी मैं हूँ रेलवे स्टेशन, तो गाइज आदि राजा भैया से तो मिल चुके, और काफ़ी अच्छा उनके फैमिली मेम्बर सब लोग बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किए, बट बहुत ही क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा किए, और मेरा गाड़ी आने वाली है। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि राजा भैया कब लोग अलग कर देते हैं, सोच रहा हूँ कि ये वीडियो इतना तक ही बस रहने देते हैं, ज़्यादा अब नहीं करेंगे। तो इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बनाऊंगा, और इस वीडियो का भी मैं एंड करता हूँ। तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और वीडियो लाइक जरूर कर देना। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और यार राजा भैया कसम से दिल से बताता हूँ, राजा भैया के लिए बोल रहा हूँ कि राजा भैया आप जैसा कोई यूट्यूबर कोई नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूँ। फाइनली दोस्तों आज का ब्लॉग बस मैं एंड करता हूँ, मिलते एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय, जय हिंद।